बात चिलवैया बहुत समझाती है, लेकिन बाबा जार भी एक बात नहीं सुनते। तो बाबा जारवीर कह लगे, माँ मुझे घोड़े के बारे में बताओ। तो माता वाचल कहने लगी, बेटा मानोगे नहीं, चले जाओ घोड़सारों में, 750 घोड़ा बने हैं, जौन सा तुम्हें अच्छा लगे वो ले आओ। बाबा जारवीर घोड़सारों में जाते हैं, जौन से घोड़ा पर हाथ रखने रखते हैं, वही घोड़ा पीठ को लफा जाता है। बाबा जारवीर विचार करने लगे, जो घोड़ा हमारे हाथ के वजन को नहीं साथ पा रहा है, वो हमारी सुरक्षा। माता वाचन के पास आते और कहने लगे, माँ सब जना खवाए खवाए घोड़ा खराब करते हैं, एक भी घोड़ा काम का नहीं है। माँ माँ उसी घोड़े के बारे में बताओ जिस कुगड़ से हमने अवतार लिया है, उस नीलम घोड़े ने अवतार लिया है। तो माता वाची कह लगी, बेटा उस घोड़े के बारे में मुझे जानकारी नहीं, नीली घोड़ी के पास जाओ, वही तुम्हें बताएगी। तो आज बाबा जारवीर नीली घोड़ी के पास में आते हैं और कह रहे, माँ मुझे घोड़े के बारे में बताओ। तो नीली घोड़ी कहने लगी, बेटा बाली उम्र का बछेड़ा है, क्या जाने राग चढ़ने की और क्या जाने राग उड़ने की। बेटा कोई पे पाखंड डालो, कहो तो राजा इंद्र के पास लेकर चले, और कहो तो राजा वासु के पास। बाबा जारवीर कहने लगे, माँ तेरे ऊपर पाखर मेरे पिता ने डाली, तू तो लगे मेरी धर्म की पिटारी। हाँ तेरे ऊपर पाखर कैसे डाल सकते हैं, नीले घोड़े के बारे बताओ। तो भैया बताने लगे, बेटा चले जाओ टिल्ले घोड़े पर बना हुआ है, आना चाहे तो ले आओ। आज बाबा जारवीर टिल्ले घोड़े पर पहुँच जाते हैं और पास घूमते हैं, मगर दरवाजा गुरु को समेर कर पैर की ठेबक मार देते हैं, तो घोड़ा खिस जाता है, दाहक में नीला नजर पड़ जाता है। अरे भैया आज कैसे हमारे पास आए, जिस दिन से हमने अवतार लिया उस दिन से लेकर आज तक आपके दर्शन नहीं हुए। बाबा जानवी कहने लगे, भैया कैसे करो, चल के विदा करा लिया हूँ। भैया आज दिन तक न तुमने खाए की जानी और न पीवे की जानी, आज हम तुम्हें काम करो तुम तो मैं डिनर चले आए। अरे भैया हाँ, कोई किसी के पास मगर काम के नहीं जाता। भैया तुम्हारो ब्याह होएगा, चीता चढ़ेगा। आज बाबा जानवी से नीला घोड़ा कहने लगा, भैया ऐसे चले भूखे प्यासे नवाज हो जाओ। तो आज बाबा जानवी नीला घोड़े को स्नान करवाते हैं, स्नान करवाने के बाद सजाते हैं घोड़े को, और बाबा जानवी कहने लगे, भैया मैं तो पर कौन चले, भैया कहाँ चले हो, पहले चलो महलों में माता वाचल के पास, उसके बाद में चलेंगे। ससुराल क्या कह रहे हैं भैया, ऐसे ही चले ससुराल। अरे और कैसे चले हो भैया, ससुराल में तो भाई सारी सराय जो रही मुझे कहे, घोड़ा बड़ो मकबूल है।
फूल नहीं, घोड़ा बड़ो मलूक है। मलूक? हाँ। घोड़ा बड़ो मलूक है, कब मांग मुंग कर लिया चुराए लिया। भैया तुम बनाए धोए के सिंगार बनाए ले, ससुराल का सिंगार जानता है। आज बाबा जारवी नहा धोकर के सिंगार बनाते हैं, नीलम घोड़े पर सवार होकर और बैलों में आ जाते। माता वाची ने देखा, पहचान नहीं पाई और कहने लगे बेटा मानोगे नहीं, जाओगे तो आज माता वाची आरती का थाल लेती है, आरती करती है पुत्र की और कहने लगी बेटा हाँ कहने में लौट के आए जे, और हमें विश्वास कैसे हो, तुम जा तो रहे हो लौट के वापस आ जाओगे। तो बाबा जारवी कहने लगे माँ तुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास बेटा। तो बाबा जारवी कहने लगे माँ ये तेरे आंगन में 125 मन की शिला पड़ी हुई है, इस पर अपने आंचल के दूध की धार मार, अगर शिला टूट जाए तो समझ लेना तेरे बेटे को कोई मारने वाला नहीं है, अगर शिला न टूटे तो समझ लेना जा तो रहा है, अगर लौट के आ जाए तो मेरी तकदीर। आज माता वाचल शिला के पास में जाती है, अपने आंचल के दूध की धार मारती है तो शिला के 8 घंटे मैया को विश्वास हो जाता है कि मेरे बेटे को कोई मारने वाला। माता वाचल के लिए बेटा कह दिन में वापस लौट के आए, आए 6-7 दिन में पता लगवा 8 दिन में लौट कर वापस आ जाएंगे। तो आज माँ आज्ञा देती है और बाबा जारवीर नीलम पर सवार होते हैं, चल रहे हैं जा रहे हैं।